गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग कार्तिक पाल, आलेख सिंह, अंश राठौर, शिवा शर्मा, दिव्यांशी भारद्वाज, कृष शर्मा, साक्षी, ऋतु गोला। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को जो है आवाज़ क्लियर आ रही है और ब्लर तो नहीं हो रहा है कुछ, है ना? तो बता देना। और जो है बच्चे धीरे धीरे कनेक्ट होंगे, तो आप लोगों को जैसे ही दिख रहा है नैना शर्मा, गुड मॉर्निंग। एंड जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड, और जिसकी हम करेंगे आज क्या, जैसे कि इसमें लिखा भी है, देखो आप लोगों को दिख भी रहा होगा क्या लिखा है, क्वेश्चन एंड आंसर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि देखो ये लेक्चर नंबर 4 यानी कि चौथी क्लास है, चौथी क्लास में आके ये लेसन कंप्लीट होगा। इसका मतलब है कि हमने जो समरी पढ़ी है कितनी लेंथी समरी पढ़ी है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सचिन, तुषार गुड मॉर्निंग। सो और ठीक है, तो जो है चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, आप लोगों को बताने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे भी, बट फिर भी जो बच्चे अभी नए कनेक्ट हो जाते हैं वो नहीं जुड़ पाते हैं, जिनको या तो अभी तक नहीं पता है कि क्लास लाइव ऑनलाइन जो चलती है वो यूट्यूब पर चलती है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए कि जो है YouTube पर डालना स्टडी विद उमेश सर, ये खुल जाएगा, मेरा फ़ोटो आएगा और ये बैनर दिखाई देगा। यहाँ पर क्या है, सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा, ऑलरेडी यहाँ सब्सक्राइब्ड है जो कि मैंने अपनी आईडी से ही खोला है, तो सब्सक्राइब का बटन आएगा, तो वहाँ जाके क्लिक कर देना, ठीक है। और बेल आइकन भी आ रहा होगा इसका, देखो ये जो बेल आइकन बना हुआ है, ठीक है, ये जो बेल आइकन बना हुआ है इस पर भी कर देना, नोटिफिकेशन आप लोगों के डायरेक्ट पहुंच जाएगी। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था कार्बन कंपाउंड्स। गुड मॉर्निंग संजीव शर्मा। तो जो चैप्टर चल रहा था हमारा ये चल रहा था, इसमें हमने पूरा चैप्टर ये पढ़ लिया था बाय द वे, है ना। आज हम इसकी जो करेंगे वो एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहली बात थे एक्सरसाइज, तो रेडियो बच्चों एक्सरसाइज करने के लिए, गुड मॉर्निंग अंकिता। तो सबसे पहले मैंने देखो मीथेन इसमें लिखा है, फॉर फर्स्ट आंसर है आपका, वो क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन, मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ जल्दी से बच्चों, कौन बताएगा आप में से? यस सर, यस सर, जल्दी से बताओ कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मेथेन, मेथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? भाई ये कोई रूम पता नहीं किस नाम से है, अंश राठौर आपने इसका ए आंसर दिया है, बट ये इसका ए आंसर नहीं होगा, आप गलत आंसर दे रहे हो। तो कौन, और मेरे पास जो आंसर आया है तुषार शर्मा, का आंसर सही है, और सचिन विस्ट का आंसर सही है, संजीव सैनी भी आंसर सही दे रहे हैं, सचिन वेस्ट CH4, ठीक है। तो जो मेथेन होता है ना वो हमारा CH4 होता है, ठीक है, क्या होता है हमारा CH4 होता है मेथेन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका हो जाएगा बी, हाँ रोली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके।
अगला क्वेश्चन आपके पास कि एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फ्यूल, कि सॉलिड फ्यूल क्या होता है हमारे पास। चार ऑप्शन आपके पास हैं, एलपीजी, सल्फर, कोल या ऑयल। इन चारों में से आप लोग बताओ मुझे आंसर क्या होगा इसका। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मैंने पढ़ाया भी है आपको, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दो क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का। आई होप कि आप लोग सब अच्छा आंसर दोगे क्योंकि ये चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। हाँ, तुषार शर्मा का सबसे पहले आंसर आया है, और फिर उसके बाद समर्पित, अंश राठौर, दीपांशु सिंह। बहुत बढ़िया। तो जो इसका आंसर होगा वो आंसर होगा आपका कोल, ठीक है। जो कोयला होता है वो सॉलिड फ्यूल होता है, सचिन, अंश वगैरह इन सबके सब के आंसर आ रहे हैं। तो जो इसका आंसर होगा, ऋतु गोला ने भी अच्छा आंसर दिया है क्योंकि इसका आंसर ही आपका जो है वो कोल है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दो बच्चे जो है डिसलाइक करके चले गए वीडियो को। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा वो डिसलाइक क्यों करके चले गए। खैर कोई नहीं, नैना शर्मा कोल, बहुत बड़े आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड फ्यूल, कि लिक्विड फ्यूल हमारा कौन सा होता है। तो लिक्विड फ्यूल हमारा पेट्रोलियम, वुड, चारकोल या लिग्नाइट। तो कौन सा इसका आंसर हमारा ठीक होगा ये बताइएगा। तो हमारा थर्ड का आंसर बताओ बच्चों आप लोग। तुषार शर्मा का आंसर आया सबसे पहले, फिर आया श्री शर्मा, समर्पित, दीपांशु सिंह और अंकिता, नैना, फिर है ऋतु गोला, ऋतु गोला का आंसर भी सही आया है, अंश राठौर, सचिन वेस्ट, हंस कश्यप, साक्षी यानी कि रोली। रोली CH4 क्यों डाल दिया तुमने, CH4 थोड़ी ना आएगा। रूबी शर्मा, अंश राठौर, यानी कि जो इसका आंसर होगा, आंसर क्या होगा आपका, पेट्रोलियम इज द राइट आंसर। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा, पेट्रोलियम। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इन द क्लीनेस्ट फ्यूल, मतलब सबसे क्लीन फ्यूल कौन सा होता है, सबसे क्लीन फ्यूल कौन सा होता है। हाँ, ऑप्शन आपके पास कोल, एलपीजी, सीएनजी या डीजल। तो इनमें से बताओ कौन सा आपका आंसर ठीक होगा, सबसे क्लीन फ्यूल। ओहो, बहुत बढ़िया, दीपांशु सिंह का सबसे पहला आंसर आया है, उसके बाद है आपका तुषार शर्मा, फिर है अंकिता। तो मतलब सबसे पहला आंसर आपका सीएनजी जो दिया है दीपांशु ने दिया है, उसके बाद बच्चों के आ रहे हैं सचिन, समर्पित, अंश और रूबी, ऋतु, नैना। हाँ, बहुत बढ़िया, इसका जो आंसर होगा आपका होगा सीएनजी। क्या होगा, सीएनजी बेटा। रोली इसका जो आंसर है कोल आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो कोल होता है वो कोयला होता है। जब आप कोयले को जलाते हो तो उसमें से स्मोक निकलता है ना, धुआं निकलता है, और तो वो जब धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, तो वो क्लीन कहाँ से हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो सीएनजी है, उसमें क्या है, क्लीनेस्ट फ्यूल है। अब ये फिफ्थ वाले का आंसर तो आप लोग बहुत इजीली बता दोगे क्योंकि फिफ्थ वाले का आंसर इतना हार्ड नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन है, डीजल इज़ यूज्ड एज इन, जो डीजल होता है वो किस चीज़ में यूज़ होता है, कुकिंग ऑयल, पेंट, रोड सरफेसिंग या इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो बहुत इजी आंसर है, आप लोग, आशा करता हूँ कि जो है आप लोग सारे सभी सही आंसर दोगे, इसका तो कोई गलत मत कर देना। ठीक है, चलो बताओ, टाइम भी दे दूं आप लोगों को फिर मैं, 30 सेकंड का, रुक जाओ, टाइम लगा दूं। चलो 20 सेकंड का टाइम लगा दूं, आंसर दो लो। तुषार, समर्पित, अंकिता,
सचिन नैना, और जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर DDD, आदित्य प्रताप। CNG होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो व्हीकल्स वगैरह में, कार वगैरह में आप यूज़ करते हो ना, वो वाली गैस जो होती है वो CNG होती है। और मोस्टली बच्चों का जो आंसर है वो सही आया है, तो बच्चों ने बहुत जल्दी आंसर दे दिया, तो जो है इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर D, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक, इसके बाद अब आ जाते हैं फिलिंदा ब्लैंक्स पर। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज, इसका आपका हो जाएगा हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो कार्बन्स। क्या हो जाएगा इसका? हाइड्रोकार्बन्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लास को शेयर कर दो ताकि जो बच्चे अभी तक नहीं आए हैं ऑनलाइन, वो ऑनलाइन आ जाएं, क्लास को देख सकें। ठीक है, तो पहला जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है वो है आपका हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा जो है आपका डैश इज स्मोकलेस कोल, कि स्मोकलेस कोल कौन सी होती है जिसमें से धुआं नहीं निकलता है, तो वो हो जाएगा आपका एंथ्रेसाइट, ANTHRACITE, आंत्रेसाइट। ठीक है, थर्ड आपका पेट्रोलियम इज यूजुअली फाउंड इन, कौन से रॉक्स में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री, SEDIMENTARY, सेडिमेंट्री। ठीक है, स्पेलिंग आपको नहीं समझ में आ रही होगी, दोबारा से लिख देता हूँ। सेडिमेंट्री, ठीक है, उसके बाद अगला अगला आपका हाइड्रोजन वर्न विद ए पॉपिंग साउंड, कौन सी साउंड करता है? पॉपिंग, PPING, पॉपिंग साउंड। ठीक है, कौन सी साउंड? पॉपिंग साउंड। अगला है आपका, हाँ अंकिता ने बहुत अच्छा आंसर दिया, सेडिमेंट्री। तो अगला क्वेश्चन आपका, एक्सप्लोजिव पावर पाउडर इज मिक्सचर ऑफ कार्बन डैश एंड डैश, कौन कौन सा होता है मिला हुआ? तो जो इसका आंसर हो जाएगा, कार्बन के साथ एक तो सल्फर मिला होता है, क्या मिला होता है? सल्फर, और उसके साथ एक मिला होता है पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, क्या मिला होता है? पोटेशियम नाइट्रेट मिला होता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग शिवा। तो बच्चों देखो, मैंने फिलअप्स पूरे करा दिए आप लोगों को, तो आप लोग जल्दी से जो है इसको क्या करोगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लोगे, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, 198 सब्सक्राइबर हैं, 200+ तो कर ही दो बाल को, हैं? चलो खैर कोई नहीं, जो नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दो, बाकी जो है अपना काम करो, है ना, क्योंकि काम मैं करा रहा हूँ, और आप लोगों के स्कूल भी खुल जाएंगे हाल फिलहाल में, जल्दी कुछ टाइम में, जैसे कि मे भी शायद अगस्त में खुल जाए, मतलब श्योरिटी नहीं है, बट फिर भी चांसेस हैं कि अगस्त में आप लोगों के स्कूल खुल जाए। सो आप लोग जो है अपना तैयारी करते चलो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स वगैरह भी आज शुरू हो जाएंगे जैसे स्कूल खुलेंगे, तो चलिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।
जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया वो यस लिख कर बताए, यस सर लिख के बताए। जल्दी से हाँ चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है आपकी ट्रू फॉल्स की। तो पहला आपका द कोक कंटेन्स अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन देन कॉयल, ये राइट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस पॉल्यूएंट, ये भी राइट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो जो है पॉल्यूटेंट करता है, यानी कि पॉल्यूशन बढ़ाता है, जहरीला होता है वो। सीमेंट एंड ग्लास आर नॉन कम्ब्यूजेबल मटेरियल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीमेंट कभी जलाया नहीं जा सकता ना। और अगला है आपका स्पॉन्टेनियस कम्ब्यूजन यूजली डज नॉट गिव आउट एक्सटर्नल हीट, जबकि ये गलत हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल हीट प्रोड्यूस करता है वो। हाँ, रोली अच्छा आंसर दिया आपने, सल्फर एंड पोटेशियम जो है। अरे भाई किसकी आईडी है ये, रूम छेड़ नाम से जो आईडी है, पता नहीं क्या लिख रहा है भाई, खैर छोड़ो। अगला है आपका फिफ्थ वाला, ऑक्सीजन इज वेरी इफेक्टिव इन पुटिंग आउट फायर, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ओके चलिएगा आप लोग, ये टिक लगा लो, उसके बाद आपको अब आ जाता है मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग कर लेते हैं। तो सॉलिड फ्यूल हमारा कौन सा होता है? अच्छा बच्चों, मैचिंग तो आप लोग बता ही दोगे मुझे, है ना? तो मैचिंग आप लोग बताओ मुझे कि पहले का आंसर क्या होगा, पहले का आंसर क्या होगा बताइएगा। मैचिंग कौन बताएगा? अच्छा, पहला जो होगा आपका सॉलिड फ्यूल, ये आपको होगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दूसरा है लिक्विड फ्यूल, लिक्विड क्या होता है देखो, कैरोसिन, मिट्टी का तेल जिसे बोला जाता है हिंदी में, क्या बोला जाता है, मिट्टी का तेल जिसे बोला जाता है वो कैरोसिन, ठीक है। क्या है मतलब लिक्विड में होता है, तो लिक्विड हो जाएगा। गैसेस फ्यूल, गैसेस क्या है, बायोगैस, बायोगैस क्या है, गैसेस। और पेट्रोलियम आपका आ जाएगा फॉसिल फ्यूल। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स कराता हूँ आप लोगों को। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। चलिएगा नेक्स्ट, तो क्वेश्चन देखो आपके पास पहला है डी का, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी। तो कौन बताएगा मुझे फुल फॉर्म? डी का फर्स्ट आंसर है आपका फुल फॉर्म ऑफ एल पी जी और क्या था, सी एन जी। जल्दी से बताओ मुझे इसका फुल फॉर्म बताओ बच्चे, जल्दी से, वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के आंसर्स का, ठीक है, जल्दी बताओ। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
हाँ, तुषार शर्मा का आंसर आया है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अंश कश्यप ने भी आंसर दे दिया है, समर्पित ने भी दे दिया है। तो मतलब इट मीन्स आप लोग जो है मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग के चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये दोनों जो है आप याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। और ऋतु गोला का भी आंसर आ गया है। CNG का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अब डी का जो है सेकंड वाला आंसर है आपका, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस? तो नेचुरल गैस के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इसका जो आंसर है मीथेन, एथेन और प्रोपेन। ठीक है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस आर मीथेन एथेन प्रोपेन। ठीक है, अब डी का थर्ड आंसर है आपका, विच स्मेलिंग एजेंट इज मिक्सड विद ब्यूटेन टू डिटेक्ट इट्स लीकेज? क्वेश्चन आपका थर्ड, विच स्मेलिंग मतलब किस टाइप का एजेंट हम यूज़ करते हैं किसके अंदर लीकेज को रोकने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए कि गैस में लीकेज हो रही है। बहुत बड़े बच्चे आंसर दे रहे हो आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एथाइल एथाइल मैरकेपिन, मैरकैप्टन यानी कि C2H5SH। ये चीज़ इसमें मिलाई जाती है जिससे हमें लीकेज का पता चलता है। ठीक है, डी का फोर वाले का आंसर है डिफाइन कॉन्फ्यूज़न। ये कॉन्फ्यूज़न को हमें डिफाइन करना है कि कॉन्फ्यूज़न हमारा क्या होता है। ठीक है, तो इसमें लिखोगे व्हेन सब्सटेंस वंस इट केमिकली कंबाइन, केमिकली कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्यूजन। ठीक है, डी का फोर्थ वाला ये आंसर हो गया आपका। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से इसका, क्योंकि मैं जो है फिर आगे का काम कराता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। आई होप कि आप बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। चलिएगा अगला, जो डी का फिफ्थ वाला आपका आंसर है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है नेम द थ्री मेन फॉसिल फ्यूल्स। तो थ्री मेन फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, थ्री मेन फॉसिल फ्यूल कौन कौन से होंगे आपके? फ्यूल्स आर वुड, कोल
पेट्रोलियम, ठीक है, ये तो आपका डी वाला हो गया। अब जो है आपका ई वाला आंसर, आपका वंश त्यागी। गुड मॉर्निंग। तो आपका जो है ई वाला पार्ट अब आएगा, ठीक है। अब ई वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ई वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपका आएगा वो क्वेश्चन है फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, तो आपका जो पूछा गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि हाउ इज़ मीथेन प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, एक्सप्लेन अ मेक अ नीट डायग्राम। तो देखो बच्चों कि ई का जो फर्स्ट वाला है थोड़ा सा तो मैं लिखवाई दे रहा हूँ, डायग्राम आपको ये वाला बनाना है, दिख रहा है आप लोगों को, ये आपको डायग्राम बनाना है कॉपी में, लेफ्ट साइड में जो ब्लैंक पेपर होता है आपका उसमें आपको डायग्राम बनाना है। ओके, ये आपको डायग्राम बनाना है और लिखना क्या है, लिखना जो है मैं वो बता देता हूँ आपको, है ना, लिखना वो है जो मैं आपको बताता हूँ, बाकी जो है आपको डायग्राम बनाना है। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो इसमें लिखना है इन लेबोरेटरी, इन लेबोरेटरी मेथेन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम, सोडा लाइम यानी कि इसका रिएक्शन अगर आप लिखोगे तो इसकी रिएक्शन लिखोगे आप CH3COONa प्लस NaOH, एरो बना के आप लिखोगे इसके ऊपर, लिखोगे हीट, हीटिंग करने पर, है ना, फिर लिखोगे Na2CO3 प्लस CH4, ये लिखना है आपको। और इसके बाद जो है ये डायग्राम बनाना है आप लोगों को, ठीक है। ये सब करने के बाद आप लोग जो है कंप्लीट होगा आपका चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन।
थोड़ा सा कॉल आ गई थी किसी की, तो थोड़ी देर होल्ड हो गया था। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो बाकी जो है आगे का काम करा देते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका कि डिस्क्राइब कोल एज अ फ्यूल, एज अ सॉलिड फ्यूल, कि जो है कोल को हमें ऐसा बताना है कि ये एक सॉलिड फ्यूल की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम, इसके बारे भी हम लिख लेते हैं आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल मैं यही दो क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी शायद आप लोगों की जो कल भी क्लास लगेगी तो उसमें मैं बाकी चैप्टर फिनिश करा दूंगा। ठीक है, तो आज फिलहाल ये दो क्वेश्चन ही कराऊंगा। तो ई का सेकंड वाला जो आंसर है आपका, ई का जो सेकंड वाला आंसर है, कोल को हम सॉलिड फ्यूल की तरह क्यों लेते हैं, क्यों मानते हैं, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखो कोल इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, फिर इसमें लिखना कि नेक्स्ट लाइन से लिखना आप लोग, कोल इज एन इम्पोर्टेंट सॉलिड फ्यूल यूज्ड एट होम, यूज्ड एट होम इंडस्ट्रीज, किसमें इंडस्ट्रीज एंड अदर डिपार्टमेंट्स या अदर पावर स्टेशंस। ठीक, इट इज ऑफ फोर टाइप्स, ठीक है, फोर टाइप्स कौन से होते हैं, इसका पीट होता है, लिग्नाइट होता है, विट्यूमनस होता है, और आपका होता है एंथ्रेसाइड। ये आपका जो है ई का सेकंड वाला चैप्टर आपका यहाँ फिनिश हुआ। ठीक है, बाकी जो इसके तीन चार क्वेश्चंस बचे हैं चैप्टर के लॉन्ग वाले, वो आप लोगों को जो है कल की क्लास में कराया जाएगा। ओके, सो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन नहीं जुड़े वो लोग इसको ऑफलाइन देख लेना बाद में, और बाकी मिलते हैं आपसे। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा, ठीक है, और सीधी सी बात की आप लोग स्टे होम स्टे सेफ। ओके, चलिएगा, मिलते हैं आपसे कल 9 बजे। ठीक है, कल मिलेंगे आपसे 9 बजे। जैसे कि आज मोनिका मैम ने जो है क्लास 8 बजे ली है, अगर कल भी वो 8 बजे लेती हैं तो आपसे 9 बजे मिलेंगे, अदरवाइज़ 8 बजे मिलेंगे। ठीक है, मैं इसका लिंक जो है आपको एक्टिव कर दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है बच्चों।